हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले जो यहाँ पर मैच होने वाला है अफगानिस्तान वर्सेज आयरलैंड के बीच में, तो 30-20 का ये मैच है और फाइनल मैच है। बिकॉज आपको पता है तीन मैचेस की श्रृंखला होनी थी, जिसमें से दो मैचेस ऑलरेडी यहाँ पर अफगानिस्तान विन कर चुकी है और आयरलैंड को वाइट वॉश कर सकती है कल के मैच में। यानी कि अगर कल का मैच विन करती है तो अफगानिस्तान यहाँ पर वाइट वॉश कर देगी आयरलैंड की टीम को। तो आयरलैंड की टीम चाहेगी कल के मैच को ना हारे, और वहीं अफगानिस्तान की टीम बहुत मजबूत दिख रही है। बॉलिंग में बात करें चाहे आप बैटिंग में बात करें, दोनों में ही मजबूत है, खास करके बॉलिंग में। तो यहां पर कुछ चेंजेस कर सकती है अफगानिस्तान की टीम, एक आध प्लेयर को यहां पर एक्स्ट्रा खिला सकती है। जैसे कि आपको पता है कुछ प्लेयर यहां पर बेंचेस में बैठे हुए हैं, तो उनको मौका दे सकती है अफगानिस्तान की टीम, बिकॉज यहां पर बहुत स्ट्रांग है। तो एक आध चेंज आपको देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, बट यहां पर बेंच को भी मौका देना होता है, तो एक आध चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आयरलैंड की टीम में आपको दो से तीन चेंजेस तक देख सकते हैं, बिकॉज यहां पर टीम लगातार फ्लॉप हो रही है। तो यहां पर आपको दो तीन चेंजेस देखेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस हो सकते हैं। बात करें पिच कंडीशन की, तो पिच कंडीशन यहां पर 160 का एक एवरेज स्कोर था बनता है और 160 से 170 के आसपास बन सकता है, और एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 के आसपास बन जाता है 20 ओवर में। तो यहां पर एक अच्छी बैटिंग पिच है, हालांकि यहां पर अफगानिस्तान के बॉलर्स बहुत कमाल कर रहे हैं, आयरलैंड की पूरी टीम को फ्लॉप कर रहे हैं, बिकॉज इनका आप जानते हैं स्पिन अटैक बहुत ज्यादा अच्छा है अफगानिस्तान की टीम का, और जिसकी वजह से यहां पर इनको विनिंग बहुत आसानी से मिल रही है। तो मैं यही बोलूंगा आप आयरलैंड के ज्यादा बैट्समैन ना ले, बिकॉज वो खेल नहीं पा रहे हैं अफगानिस्तान की बॉलर्स को। इससे बेटर होगा अफगानिस्तान के आप मैक्सिमम बॉलर्स उठा लें, और अफगानिस्तान के जो एक दो पिंच हिटर है उनको आप टीम में रख लें, और आयरलैंड की टीम के भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको टीम में रख लें। खास करके आयरलैंड की टीम के आप जो बॉलर है या फिर ऑलराउंडर उनको टीम में रखेगा, बिकॉज बैट्समैन कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, और एक दो बैट्समैन है जिनको आप टीम में रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले लाइनअप, फिर बात करें ड्रीम इलेवन की टीम की। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की टीम की, तो एक आध चेंज टीम कर सकती है, हालांकि दोनों ही मैचेस विन करें, बट बेंचेस में जो प्लेयर हैं जैसे गुलबदीन नायब हो गए, मिरवाइस अशरफ हो गए, तो इन प्लेयर्स को भी यहां पर चांस दे सकती है टीम कल के मैच है, बिकॉज वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बॉलिंग है, बॉलिंग इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर एक दो प्लेयर्स को यहां पर मौका दे सकती है टीम, चाहे तो एक्सपेरिमेंटल चेंजेस होंगे। तो यहां पर मोहम्मद शहजाद आपको फिर से ओपनिंग करते हैं हजरत जदाई से, और दोनों ही मैचेस में जदाई ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है, तो मेरे साथ इस मैच में भी खेलेंगे और यहां पर इनको शॉर्ट शॉर्ट विन दिला सकते हैं अफगानिस्तान की टीम को, और कल के मैच में भी पर अच्छा खासा स्कोर लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कल के मैच के लिए, और फिर इसका शेन वारी आएंगे, फिर स्टैनिक्जाई हैं जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था लास्ट मैच में, फिर शफीकुल्ला शफीक है, मोहम्मद नबी है, नजीबुल्ला जादरान है। जादरान की जगह पर टीम चाहे तो यहां पर गुलबदीन नायब और मीरवाइज अशरफ को ला सकती है, बिकॉज जादरान कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं पिछले मैच में भी, और जादरान की जो रेगुलर प्लेस है वो यहां पर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड खेलने की है, बट इनको बहुत नीचे बैटिंग करने लाया जा रहा है। इससे बेटर होगा किसी एक अच्छे ऑलराउंडर को टीम खिला ले, तो यहां पर गुलबदीन नायब और मीरवाइज अशरफ को लाया जा सकता है। इसका राशिद खान और मुजीब जादरान और आफ्ताब आलम, ये तीन प्लेयर तो मेरे हिसाब से कल के मैच खेलेंगे, बिकॉज तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बॉलिंग अफगानिस्तान की टीम में तीनों की है, इसमें सबसे बेस्ट राशिद खान है, उसके बाद आफ्ताब आलम और मुजीब जादरान है। तो ये तीन प्लेयर जान है अफगानिस्तान की टीम की, और आयरलैंड के लिए यहां पर बहुत आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेयर साबित होते हैं, और हर मैच में विकेट्स निकाल रहे हैं। फरीद अहमद की बात करें तो ये भी अच्छा खासा खेल रहे हैं, हालांकि टीम चाहे तो यहां पर चेंज कर सकती है, अगर इनको गुलबदीन नायब या फिर मीरवाइज अशरफ को लाना है तो फरीद अहमद की जगह पे भी ला सकते हैं, बिकॉज कल का मैच थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होगा और टीम चाहेगी कि अपनी बेंच को भी मौका दे। तो ऐसे में फरीद अहमद के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, हालांकि टीम चाहे तो इसी बॉलिंग लाइन के साथ जा सकती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही राशिद खान मुजीब जादरान आफ्ताब आलम तो खेलेंगे ही, इसके अलावा फरीद अहमद का थोड़ा डाउटफुल है, और यहां पर नजीबुल्ला जादरान। फरीद अहमद की बॉलिंग बहुत शानदार है, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार परफॉर्मेंस इनका है, बट टीम को मौके देने अपनी बेंच को भी, तो यहां पर कुछ प्लेयर को तो बैठना पड़ेगा। बात कर ले आयरलैंड की टीम की, तो आयरलैंड की टीम यहाँ पर कम से कम एक से दो चेंजेस तो करेगी। तो एक चेंज तो मुझे लगता है स्टुअर्ट थॉमसन की जगह पे जेम्स शेरन की वापसी होगी। जेम्स शेरन एक बहुत अच्छे हिटर हैं और यहाँ पर ओपनिंग करते हैं जनरली, और विलियम पोर्टरफील्ड का फॉर्म अच्छा खासा चल रहा है, तो यहाँ पर टीम इनको नहीं निकालेगी। स्टुअर्ट थॉमसन के यहाँ पर चांसेस है कि इनको बैठना पड़ेगा, इनकी जगह पर जेम्स शेरन की वापसी होगी, तो शेरन को यहाँ पर पहला चांस मिलेगा, और शेरन एक ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पर आयरलैंड की टीम को एक बड़ा स्कोर टोटल बना के दे सकते हैं, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। फिर यहाँ पर विलियम पोर्टरफील्ड आएंगे, फिर एंडी बेलब्रिन है, फिर यहाँ पर गैरी विल्सन है, केविन ओब्रायन, सिमी सिंह है, डॉकरल है, जोशुआ लिटिल है, बॉयड रैंकिंग और पीटर चेज। यहाँ पर ट्रायन को भी ला जा सकता है, जैसे कि आपको पता है जो पहले मैच में खेले थे टायरन केन ने, यहाँ पर आपको पता ही यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसमें या फिर आपके लिए T20 ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस उनका दिख रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है टायरन को यहाँ पर ला सकते हैं। फर्स्ट मैच में थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल साबित हुई, जिसकी वजह से सेकंड मैच में हटा दिया गया था, और इसके बाद डेविड डेनली के भी चांसेस कल बन रहे, तो टीम थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर सकती है, एक दो चेंजेस हो सकते हैं। चैनल गेम शेरन के चांसेस तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और डेविड डेलानी और टायरन केन के चांसेस भी बन रहे कल के मैचेस में। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको पता है पीटर चेज, बॉयड रैंकिन,
इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो विलियम पॉटरफील्ड, पॉल स्टर्लिंग, तो इतने ही चार पांच प्लेयर हैं जो यहाँ पर लगातार टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैटिंग लगभग फ्लॉप ही हो रही है और बॉलिंग में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर देती है टीम, तो बॉलिंग में भी उतना कोई खास तो परफॉर्मेंस नहीं है, बट यहाँ पर अगर बात करें बैटिंग से कंपेयर करें तो बैटिंग में तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है इंपॉर्टेंट प्लेयर को टीम में लें और यहाँ पर मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए सॉरी अफगानिस्तान की बॉलिंग पे और यहाँ पर कुछ जो बैट्समैन अच्छे खासे उन पर। तो यहाँ पर बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की, देखते हैं आपको क्या बेस्ट टीम बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए आपके लिए मैंने एक टीम बनाई हुई है और मेरे हिसाब से बेस्ट टीम है, इसमें आपको एक दो ऑप्शंस दे दूंगा। यहाँ पर जो आपको स्मॉल लीग में टीम देखने वाली है उसमें वाइस कैप्टन आपको एच जदाई देखेंगे और कैप्टन यहाँ पर राशिद खान देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कोशिश की थोड़ा सा डिफरेंट जाने की, बट मैं आपसे बोलूँगा अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो जदाई के साथ आप वाइस कैप्टन जा सकते हैं, बिकॉज इनको सभी लोग वाइस कैप्टन बनाएंगे और कैप्टन यहाँ पर सब राशिद खान को बनाएंगे, तो 90% स्मॉल लीग में तो आपको यही देखने वाला है। बाकी थोड़ा सा मैं यूनिक करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर नवी को वाइस कैप्टन बनाया है। तो यहाँ पर आप टीम का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके और अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं टीम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ऑप्शन अवेलेबल, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। गैरी विल्सन की बात करें तो अच्छे खासे फॉर्म में है, यहाँ पर मोहम्मद शहजाद भी अच्छे फॉर्म में। शहजाद को लेने का फायदा ये रहेगा ये ओपन करते हैं जदई के साथ और जदई अच्छा खासा खेल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मोहम्मद शहजाद एक अच्छा स्टार्ट देते हैं तो ये पेयर जो है मोहम्मद शहजाद और जदई का ये एक बड़ा स्कोर लगा सकता है। तो इसमें मोहम्मद शहजाद का अच्छा खासा यहाँ पर रन कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर मोहम्मद शहजाद आपको पता अच्छे खासे प्लेयर्स भी हैं, हालांकि उतना फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, जदई का फॉर्म अच्छा है, तो यहाँ पर शहजाद की जगह आप चाहें तो गैरी विल्सन को ले सकते हैं, बट शहजाद थोड़े से बेटर ऑप्शन मेरे मेरे हिसाब से रहने वाले हैं तो इनको मैं यहां पर ले रहा हूं। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में तो पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड की टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और इसके बाद ये बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि अभी तक इन्होंने बॉलिंग नहीं करी है बट बॉलिंग कर लेते हैं, टीम चाहे तो इनको भी इनसे बॉलिंग करवा सकती है। एक मैच में करी थी बॉलिंग, लास्ट मैच में आपने दिखा होगा, बस उसमें 20 रन पिटवा दिए थे एक ओवर में, तो उसको अगर देखें तो यहां पर इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी, बट यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहाँ पर विलियम पॉटरफील्ड को आप ले सकते हैं, मैस्कर स्टेनिक्स जाई को ले रहा हूँ, नजीब ज्यादा रन के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पहले मैच में उस्मान घानी को भी चांस दिया गया था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, घानी भी अच्छे खासे ऑप्शन है, टीम चाहे तो फ्रेजिन को मौका दे सकती है, एक ट्राई और दे सकती है। जदई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 8 क्रेड में अवेलेबल है और मोस्टली आप कह सकते हैं ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही मैच बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है और बहुत अच्छा स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही मैचेस में 57 पॉइंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक अच्छा स्टार्ट अगर आयरलैंड की टीम सॉरी अफगानिस्तान की टीम को किसी ने दिया है तो वो हजरत जदई ने दिया है। बात ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पर केविन ओब्रायन को आप ले सकते हैं, मोहम्मद नबी और सिमी सिंह को मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। इसके बाद ऑप्शंस में ग्रैंड लीग में यहाँ पर गुलबदीन नायब को ले सकते हैं, स्टुअर्ट थॉम्पसन के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो 5 बॉलर्स मैंने लिए हुए हैं, जिसमें से 3 मैंने अफगानिस्तान के बॉलर लिए हैं, बिकॉज आपको पता है अफगानिस्तान की जो बॉलिंग कैपेबिलिटी है वो ऐसी है कि 10 विकेट की 10 विकेट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे में फायदा मोस्टली होता है राशिद खान और मुजीब ज़ादरान को, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आफ्ताब आलम को, इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर फरीद अहमद को ले सकते, बट मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, बिकॉज इनकी जगह पर टीम चाहे तो एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर मीरवाइज अशरफ को ला सकती है, बिकॉज अशरफ को अभी तक मौका नहीं मिला है, मेरे हिसाब से टीम अब मौका देगी अपने प्लेयर्स को 3rd मैच में, और वैसे स्ट्रॉन्ग है टीम यहां पर राशिद खान और मुजीब ज़ादरान है, तो लगभग विनिंग तो कंफर्म है। यहां पर बात करें अगर आयरलैंड की टीम की तो पीटर चेज और बॉयड रैंकिन को ले रहा हूं, कुछ ना कुछ विकेट्स हर मैच में निकाल रहे हैं और किसी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आयरलैंड की टीम से लेने से बेटर है कि आप उनके बॉलर को ले लेंगे, एक आध दो विकेट तो निकाल ही लेंगे और इकोनॉमी के भी कुछ पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ऐसे में बेस्ट रहता है, बिकॉज बैटिंग तो नहीं कर पा रही अफगानिस्तान की टीम, बिकॉज सॉरी आयरलैंड की टीम बैटिंग नहीं कर पा रही बिकॉज यहां पर अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे बेटर होगा कि आप आयरलैंड के बॉलर एक्स्ट्रा भर ले टीम में। तो यहां पर 2 बॉलर आयरलैंड के लिए है, 3 बॉलर अफगानिस्तान के लिए हैं और ऑलराउंडर सेक्शन में भी एक एक प्लेयर यहां पर अफगानिस्तान और आयरलैंड का लिया हुआ है, तो यहां पर यही कुछ प्लेयर्स हैं, इनके साथ आप जाइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां पर टायरोन के चांसेस भी बन रहे हैं, मीरवाइज अशरफ के चांसेस बने, तो ग्रैंड लीग में आप एक ऐसी टीम बना सकते हैं जिनमें जो प्लेयर्स के चांसेस बने उनको टीम में रख सकते हैं एक जगह। यहां बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन यहां पर राशिद खान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो मोहम्मद नबी साहब आप जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो मुजीब ज़ादरान और राशिद खान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं और थोड़ा सा आप सेफ जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत से लोग हजरतुल्ला जदाई को रखेंगे, तो आप भी रख सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में थोड़ा सा यूनिक करेगा, बाकी स्मॉल लीग में तो जो ट्रेंड चलता है उसी को हमें फॉलो करना होता है, तो स्मॉल लीग के 3 ही ऑप्शन है, हजरत जदाई तो बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा राशिद खान और मुजीब ज़ादरान और फिर इसके बाद मोहम्मद नबी, बस 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन राशिद खान और हजरत जदाई की रहेगी, तो ऐसी आपको कुछ टीम देखने को मिलेगी स्मॉल लीग में। तो यही टीम मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ, तो ये टीम है स्मॉल लीग की और स्मॉल लीग के ऑप्शन दे चुका हूँ, जदाई ऑप्शन अच्छे हैं, राशिद खान अच्छे हैं, मुजीब ज़ादरान अच्छे हैं, नबी अच्छे हैं। और ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में आप डिफरेंट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद शहजाद और जदाई का पेयर जो है उसको आप ट्राई कर सकते हैं,
पॉल स्टर्लिंग के साथ आप जैसे कि मैंने आपको बताया शेनन के चांसेस बन रहे, तो शेनन का पेयर आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर बॉलर्स हैं आयरलैंड के, बिकॉज आयरलैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पा रही है, अगर यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को डिफीट करना है तो आयरलैंड के बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं बॉयड रैंकिन, पीटर चेस को, और टायरोन किन के चांस कल बन रहे हैं, तो अगर वो खेलते हैं और अच्छे खासे विकेट निकाल लेते हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप ऐसे प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, बाकी मोस्टली स्मॉल लीग में जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो कीजिएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।